नमस्ते बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साप्ताहिक छुट्टियों के बाद शुरू करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई, और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19A। तो इसका मतलब है कि कक्षा 5 में एक और वर्कशीट आज होगी, तो आज दो वर्कशीट है। तो चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं 19A। ये हिंदी की कार्य पत्रिका है और 19 नंबर जो कार्य पत्रिका होगी वह EVS की होगी। तो इस चैनल पर आपको दोनों कार्य पत्रिकाएं मिलने वाली हैं, आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सबको कुछ नया सीखना, पढ़ना या जानना पसंद होता है। जैसे कि हम नया चीज बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे किसी को नए खेल सीखना, किसी को नए नृत्य सीखना, तो किसी को नई किताबें पढ़ना। और जब हम कुछ नया करते हैं तो हम उसे बार बार दोहराकर अस्थाई करते हैं, और आज भी हम कुछ ऐसा ही मजेदार करेंगे। तो प्रश्न एक है कि आज हम क्या मजेदार करने जा रहे हैं। यहां दिया गया है कि नीचे दो पोटलियां दी गई हैं। पोटलियां जानते हैं ना आप, गठरी। पहली पोटली में जो शब्द है, मतलब इस पोटली में जो शब्द है, ये पहली पोटली हो गई और ये दूसरी पोटली हो गई। उनके अर्थ दूसरी पोटली में बंद है। क्या आप दोनों पोटलियों में से शब्दों के सही अर्थ खोज सकते हैं? अपनी कॉपी में एक बड़ी सी पोटली बनाकर उसमें शब्दों के सही अर्थ लिखिए। तो चलिए अब हम इन पोटलियों को देखते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं मंजूर करना। तो मंजूर करना का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। चकित का अर्थ होता है हैरान होना, तो हैरान। और विजय का अर्थ होता है जीत। उसके बाद गवाना का अर्थ होता है खोना, और सिल का अर्थ होता है, सिल मतलब पत्थर होता है, सिलवट्टा आपने सुना है ना, वो पत्थर। तो आपको क्या करना है कि आपको अब एक बड़ी सी पोटली बनानी है। आपकी पोटली तैयार हो गई। अब कह रहा है कि अपनी कॉपी में बड़ी सी पोटली बनाकर उसमें शब्दों के सही अर्थ लिखिए। तो मंजूर करना का आप लिखिएगा स्वीकार करना, स्वीकार करना। उसके बाद चकित का लिखिएगा हैरान। नेक्स्ट विजय का लिखिएगा जीत, और गंवाना का खोना, सिल का एक तरह का पत्थर, एक तरह का पत्थर। तो इस तरह से पोटली बनाकर आप लिखिए। उसके बाद प्रश्न दो है कि आइए आज हम अपना एक शब्दकोश बनाएं, मतलब अपनी डिक्शनरी, खुद की डिक्शनरी बनाएं। अपने नाम के हर अक्षर से एक शब्द लिखिए और उसके सामने उसका अर्थ, उसका एक चित्र भी बना सकते हैं। घर के बाकी सदस्यों के नाम से भी आप अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। जैसे रमा, मान लीजिए आपके घर में किसी का नाम रमा है, तो रमा में र से क्या हो गया, शब्द बन गया रंगीन, और इसका अर्थ हुआ रंग से भरा हुआ, तो आप ऐसा चित्र भी बना सकते हो। उसके बाद माँ, तो माँ से माली हो गया, माली क्या करता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो बाग की देखभाल करने वाला, तो आप इसका भी एक चित्र बना सकते हो या फिर चित्र को ही चिपका सकते हो। तो इस तरह से आपके घर में जिनका भी जो नाम होगा उस नाम से आप शब्द बनाएंगे और फिर उसका अर्थ लिखेंगे, और अगर आपके पास चित्र होगा तो उसे संबंधित चित्र भी चिपका देंगे। अब नेक्स्ट है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद, बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बूढ़ी माँ है और ये सड़क पार नहीं कर सकती है, तो ये इसे कहती है कि बेटा मुझे सड़क पार करा दो, बेटा मुझे सड़क पार करा। ये कह रहा है ठीक है अम्मा, ठीक है अम्मा, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। तो इस तरह की बातें हो रही होंगी। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि भाषा के सही प्रयोग के लिए शब्दों के सही अर्थ को जानना जरूरी है।
और बच्चों को नए शब्द सीखने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।